कमेटी मुर्दाबाद, शासन नहीं चलेगा। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी विवादों में चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी में जातिवाद व राजनीतिक का खेल शुरू हो चुका है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा धनबाद जिला अध्यक्ष के लिए संतोष सिंह को चयनित किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में जातिवाद का राजनीतिक शुरू हो गया है। और इसी के साथ आज कुशवाहा समाज के लोगों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का पुतला दहन किया। वही वक्ताओं ने कहा कि जिलाध्यक्ष का पद रविंद्र वर्मा को मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी थे और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे थे। ऐसे में पार्टी का निर्णय गलत है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रविंद्र वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, अन्यथा आने वाला चुनाव में कुशवाहा समाज का एक भी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कुशवाहा समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और पार्टी को जिताने का काम किया है। आज पार्टी ने रविंद्र वर्मा को कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष को जिलाध्यक्ष नहीं बनाकर पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रही है। मेन उद्देश्य है कि आज हमारे धनबाद जिला में जो क्रांतिकारी अभिनंदन करके और पूरे कांग्रेस में एक नया ज्योत जगाने का काम करने वाले रविंद्र कुमार वर्मा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। उस तरह का काम करने वाला यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसमें ढुलमुल नीति किया गया जातिवाद को देखते हुए। जाति जबकि हमारा जनसंख्या झारखंड में पूरे हमारा जनसंख्या 12% है और 12% जनसंख्या के साथ पूरे 24 जिलों में हमारा 3 जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके पहले रविंद्र वर्मा जी सरकारी जिला अध्यक्ष थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। गिरिडीह से थे जो जिला अध्यक्ष, उनको भी नहीं लिया गया। हजारीबाग से जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी नहीं लिया गया। इस तरह का मैंने राजनीति जो है, हम लोग केवल वोट देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। जो हुआ सो हुआ गलती, अब हम लोग उस तरह का गलती नहीं होने देंगे। इसलिए इसके लिए हम लोग जितना ऊंचाई तक जाना होगा, हम कहते हैं वोट केवल हम देंगे, वोट देंगे और वोट देने के लिए हम लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हमारे लोग बहुत से लोग भाजपा में भी आए। रविंदर जी किस पद पे थे? रविंदर जी कार्यकारी अध्यक्ष थे धनबाद जिला के। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। उनको हटा दिया गया? उनको हटा दिया गया। तो आगे क्या रणनीति होगा? आगे रणनीति होगा कि अगर उनको प्रतिष्ठित पद जिला अध्यक्ष के हकदार थे, अगर उस पर नहीं विचार किया गया तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। किसके द्वारा ये पुतला दहन किसके द्वारा किया गया? झारखंड कुशवाहा महासभा धनबाद जिला के द्वारा ये पुतला दहन किया गया और मैं झारखंड कुशवाहा महासभा धनबाद जिला का अध्यक्ष हूँ, लाल बाबू सिंह। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर का विरोध किए हैं, क्योंकि हमारा समाज पूरे झारखंड में 12% है। इसके पहले हमारे झारखंड में 3-3 जिला तक, 2 जिला तक और एक कार्यकारी अध्यक्ष धनबाद में हुआ करते थे। गिरिडीह से नरेश वर्मा थे और हजारीबाग से अर्जुन प्रसाद थे। और इस बार हमारे समाज को अगले बार चुनाव में पूरा कुशवाहा समाज ने कांग्रेस को वोट दिया था और पूरे हमारा समाज झारखंड सरकार बनी उसमें बहुत बड़ी योगदान थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष झाकी महतो ने पूरे झारखंड में घूम घूम कर कांग्रेस के प्रचार किए थे और इस बार जब ये जिला अध्यक्ष की चयन हुई, पूरे झारखंड में 12% होने के बाद भी हमारा झारखंड में एक भी जिला अध्यक्ष नहीं दिया गया। ये पूरा जातिवाद हुआ है और झारखंड को और धनबाद को चलाने के लिए बाहर से अविनाश पांडे की जरूरत नहीं है। झारखंड में वोट झारखंड के लोग दिए हैं। वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष, क्या ये योग्य है जिला अध्यक्ष के? अब आला कमान देखे कैसे कैसे लोग को लाकर दे दिए हैं। हमेशा 20 सूत्री जो हुआ है एक ही समाज से आए हैं, जिला अध्यक्ष एक ही समाज का हो गए हैं और आपको अनुशासन समिति का एक ही समाज से धनबाद से दे दिए गए हैं। यहाँ कहाँ ओबीसी को कोई जगह मिला? तो क्या लगा
राजनीति क्या लग रहा है और रविंदर जी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या छोड़ देंगे वो उनकी फैसला है, वो उन पर छोड़ा जाएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन हमारा समाज से आते हैं, हमारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारा पूरा समाज विरोध कर रहा। आज धनबाद जिला में हुआ है, हर एक जिला में हर एक जगह हम लोग विरोध करेंगे। धनबाद से हम लोग बिल्कुल क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं हमारे समाज से अगले बार 3 जिला अध्यक्ष हैं, कम से कम इस बार 2 दिए। अगर नहीं दिए तो आने वाले चुनाव में इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ का प्रभारी बन्ना गुप्ता जो आने वाले हैं, हमारा समाज पूरा कल उनका विरोध करेगा। धनबाद में उनको काला झंडा दिखाया जाएगा।